गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर टू कॉम्पिटेटिव ग्रुप में का रीजन वर्ब डिस्कस करेंगे, जिसमें टॉपिक होगा डिसेंडिंग एंड असेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर यानी घटते हुए क्रम में लिखना, और असेंडिंग ऑर्डर यानी बढ़ते हुए क्रम में नंबर्स को लिखना। जैसे आप क्लास में भी बैठते हैं, एक छोटा बच्चा बैठता है, उसके बाद फिर नेक्स्ट उससे लंबा बच्चा बैठता है, उससे फिर लंबा बच्चा बैठता है, यानी जैसे सीढ़ियों में चढ़ता हुआ क्रम होता है, पहले एक सीढ़ी, फिर दूसरी सीढ़ी, तीसरी, फिर ऊपर वाली सीढ़ी में चढ़ते हैं। इसी ये होते हैं असेंडिंग ऑर्डर में, आरोही क्रम में। और डिसेंडिंग ऑर्डर जो होते हैं वो घटते हैं, पहले बड़ा नंबर, फिर छोटा नंबर, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, यानी घटते हुए क्रम में अवरोही क्रम भी कहते हैं इसे। तो इसमें देखिए नंबर है हमारे पास 7, 15, 35, 85। सबसे ऊपर वाली सीढ़ी में कौन सा नंबर है? 85, तो हम उसको पहले लिखेंगे। उसके बाद उससे छोटा कौन सा है? 35। नेक्स्ट नंबर 15, फिर 7, यानी घटते हुए क्रम में लिखा। सबसे पहले बड़ा नंबर 85, नेक्स्ट 35, फिर 15, फिर 7। इसका सेकंड एग्जांपल हमारे पास ये नंबर है 91, 26, 45 एंड 100। तो इसमें सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 100। उसके बाद 91, फिर 45 एंड लास्ट में 26। तो ये नंबर जो हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में लगे हैं 100, 91, 45 एंड 26। इसी प्रकार है असेंडिंग ऑर्डर, इसमें क्या है सीढ़ी में चढ़ते हुए क्रम में, यानी पहले सबसे नीचे वाला नंबर, फिर उसके बाद वाला नंबर, फिर नेक्स्ट उससे बड़ा नंबर, और लास्ट में जो होता है सबसे बड़ा नंबर होता है। इसमें देखिए सबसे पहले कौन सा है? 13, 29, 65 एंड लास्ट 68, यानी सबसे छोटा नंबर पहले लिखा, नेक्स्ट सबसे बड़ा नंबर, फिर बड़ा नंबर एंड लास्ट में सबसे बड़ा नंबर। सेकंड उदाहरण देखिए, इसमें जैसे हमारे पास नंबर है 46, 13, 90, 44। तो इसमें सबसे छोटा नंबर कौन सा है? पहले 13, फिर उसके बाद 46, 44, फिर 46 एंड लास्ट में 90, यानी सबसे छोटा नंबर 13, 44, 46, 90। डिसेंडिंग ऑर्डर में तो घटते हुए क्रम में लिखना हमें, और असेंडिंग ऑर्डर में हमें बढ़ते हुए क्रम।